शक्ति को लेकर और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन तीन विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं जबकि न्याय संहिता 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग बनने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया और बाकी का ट्रायल हो गया। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारे ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा। जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो इंसान वापिस आना पड़ेगा। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्यु दंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता, वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए,
किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें। ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।